एवरी वन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोल्यूशंस के बारे में मोलालिटी क्या होती है नॉर्मैलिटी क्या होती है मोलालिटी क्या होती है ठीक है हम मोल फ्रैक्शंस को कैसे फाइंड करते हैं मोल परसेंटेज मास फ्रैक्शंस ठीक है आज हम इस वीडियो में उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे ठीक है फ्रेंड्स तो सबसे पहला हमारा जो आज का जिसको हम डिस्कस करेंगे टॉपिक को वो है मोलेरिटी ठीक है तो आपको पता है कि मोलेलिटी होती क्या है ठीक है मोलाइटी होती है इट इज डिफाइंड हैज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रजेंट इन दन लीटर ऑफ द सल्यूशन ना वन लीटर ऑफ द सल्यूशन ठीक है और इसको हम डिनोटेड करते हैं डिनोटेड बाय कैपिटल एम से ठीक है अगर हमें मोलाइटी को फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है तो एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बी डब्ल्यू बी जो है वो हमारे पास मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम में है ठीक है अपॉन एम बी एम बी इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूशन इन वॉल्यूम ठीक है हम कितने वॉल्यूम में डिजोल्व कर रहे हैं मतलब तो तो हंड्रेड एम एल आ गया टू तो हंड्रेड एम एल आ गया ठीक है हमने कितना सॉल्यूशन बनाना है ठीक है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है उतना हम यहाँ पर वॉल्यूम ले, ले लेंगे ठीक है इन टू थाउजेंड ये फॉर्मूला होगा हमारा मोलैरिटी का टू फाइंड द मोलैरिटी ठीक है दूसरा आता है हमारे पास मोलैलिटी एक है नॉर्म मोलैरिटी और एक है मोलैलिटी ठीक है अब जो मोलेलिटी होती है वो क्या होते हैं इट इज़ डिफाइंड हैज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रजेंट इन वन के जी ऑफ द सॉल्वेंट इसमें क्या था वन लीटर था और इसमें क्या है वन के जी ऑफ द सॉल्वेंट और इसको हम डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय स्मॉल एम के साथ ठीक है अगर हमें मोलाइटी का फॉर्मूला देखें हम तो मोलाइटी का फॉर्मूला होता है एम इक्वल टू डब्ल्यू बी डब्ल्यू बी डब्ल्यू बी इज़ द मास ऑफ सल्यूट ठीक है अपॉन एम बी इज द मास मोलर मास है ठीक है मोलर मास ऑफ द सोल्यूशन इन टू थाउजेंड इंटू डब्ल्यू ए जी अब ये डब्ल्यू ए जी क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम ठीक है कितना हम सॉल्वेंट उसमें ले रहे हैं ठीक है थीक्या? ये फॉर्मूला होगा मोलटी को फाइंड करने का ठीक है मतलब हम मोलैटी इस फॉर्मूले से हम उसको फाइंड करेंगे ठीक है डब्ल्यू इज द मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम ठीक है थर्ड आता है हमारे पास नॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी क्या होता है ठीक है नॉर्मेलिटी क्या होता है इट इज डिफाइंड हैज़ द नंबर ऑफ ग्राम इक्वेलेंट ऑफ सल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन ठीक है इसको हम डिनोटेड करते हैं कैपिटल एन से डिनोटेड बाय कैपिटल एन ठीक है अगर हमें नॉर्मेलिटी को फाइंड करना है ठीक है तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्वेलेंट ऑफ सल्यूट नंबर ऑफ ग्राम ठीक है इक्वेलेंट सल्यूट ओवर थाउजेंड अपॉन इक्वेलेंट मास ये क्या हमारे पास बी आ गया और वी एम क्या है हमारे पास मतलब हम कितना एम वाटर में उसको बनाएंगे ठीक है इसको हम ऐसे बोल सकते हैं डब्ल्यू जी इज द मास ऑफ सल्यूट इन टू थाउजेंड अपॉन इक्वेलेंट मास ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हम कितना वॉल्यूम ले रहे हैं सोल्यूशन का तो ये फार्मूला होगा हमारा नॉर्मेलिटी को फाइंड आउट करने का ठीक है और जो नॉर्मैलिटी uh, होती है उसकी यूनिट्स भी क्या आ गई ग्राम इक्वेलेंट पर uh, ग्राम इक्वेलेंट पर लीटर ठीक है दिस इज द यूनिट ऑफ यूनिट ऑफ नॉन मिट्टी ठीक है अब हम देखेंगे कि मोल फ्रैक्शंस क्या होता है अगर हमें मोल फ्रैक्शंस फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे ठीक है मोल फ्रैक्शंस क्या होता है इट इज डिफाइंड हैज द रेशियो ऑफ मोल्स रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट्स to the total number of the moles of all components present in the solution the it is defined as the ratio of moles of one component to the total number of moles of ऑल कंपोनेंट्स प्रजेंट इन दॉल्यूशन ठीक है और इसको हम डिनोटेड करते हैं किससे डिनोट करते हैं हम इसको एक्स से ठीक है अब हमने क्या निकालना है मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है ना अब हमें पूछे कि मोल फ्रैक्शन अगर हमें निकालना है तो उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा तो मोल फ्रैक्शंस का फॉर्मूला हुआ इसको हम डिनोटेड करते हैं मोल फ्रैक्शन को एक्स ए से ठीक है ठीक है एक्स ए क्या है हमारे पास एक्स ए इज अ सॉल्वेंट एंड एक्स बी जो है वो हमारे पास है सल्यूट ठीक है अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट किससे डिवाइड किया एक्स ए से तो क्या फॉर्मूला बना एन ए एन ए इज़ द मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन एन ए मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सल्यूट एन बी क्या है सल्यूट है ठीक है ये बन गया हमारे पास सॉल्वेंट फिर मोल फ्रैक्शंस ऑफ सल्यूट ये बना एक्स बी तो ये क्या है एन बी मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉरी मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मतलब एन ए ठीक है एन ए क्या है हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है और एन बी क्या है हमारे पास मोल्स ऑफ सल्यूट है ठीक है ये बन गया हमारे पास मोल्स फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट ठीक है अब हमने क्या करना है एक्स ए प्लस एक्स बी तो क्या बन जाएगा इजिकल टू वन ठीक है अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स ए क्या है, है हमारे पास एन ओवर एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी ओवर एन बी प्लस एन ए इज इक्ल टू वन ये बन गया हमारे पास मोल फ्रैक्शंस का फॉर्मूला ठीक है जो मोल फ्रैक्शंस का सम होता है ठीक है वो ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू वन वो किसके इक्वल होता है वन के इक्वल होता है ठीक है और उसको हम किससे नोटेड करते है? ठीक है? हैं ठीक है मोल फ्रैक्शंस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर होता है ठीक है नेक्स्ट आता है हमारे पास मोल परसेंटेज ठीक है हम मोल परसेंटेज को कैसे फाइंड आउट करते हैं तो मोल फ... परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू हंड्रेड ठीक है तो मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन कितना है हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इनटू हंड्रेड इससे जो है वो हम फाइंड करते हैं मोल परसेंटेज को ठीक है तो फ्रेंड्स ये था आज का टॉपिक हमारा कि मोलालिटी क्या होती है नॉर्मेलिटी क्या होती है मोलालिटी क्या होती है मोल फैक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ठीक है मोल फैक्शन कैसे करते हैं मोल परसेंटेज क्या करते कैसे फाइंड आउट करते हैं ठीक है तो इसके थ्रू ही हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं ठीक है जो हमें वैल्यूज़ दी होती है सॉल्यूशन कितना बनाना है कितने हमें वॉल्यूम यूज़ करना है वो सारा हम इन्हीं फार्मूलों से फ़ाइंड आउट करते हैं ठीक है आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर